नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी पहली फाइल पर साइन किया नई सरकार बनने के बाद, तो वो थी किसान विकास निधि। इस निधि के तहत लगभग 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और इस निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। फिलहाल ये नया मंत्रिमंडल जो शपथ ले चुका है उसके अंदर 72 सदस्य शामिल हैं, जिसके अंदर जो गठबंधन के सदस्य हैं उनके लोगों को भी मंत्री पद दिए गए हैं और इनमें कुछ नाम काट दिए गए हैं जो बीजेपी के हैं। हालांकि प्रोमिनेंटली उन नामों को रखा गया है जिन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे कि नितिन गडकरी रहे, उनका अपना जो प्रोफाइल रहा उसके अकॉर्डिंग उनको मंत्रालय मिल गया। लेकिन हारने के बाद स्मृति ईरानी का जाना तय था तो चली गई। इसके अलावा लेकिन एक नाम चौंकाता है, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। इस बार भी अच्छी खासी जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हालांकि उनका कहना है कि वो कार्यकर्ता के तौर पर भी खुश हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली फाइल किसानों के नाम पर जो साइन की, उससे उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता किसानों के प्रति जाहिर करने की कोशिश की है। आपको याद भी होगा कि बीते कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में भाजपा की नव निर्वाचित सांसद कंगना राणावत के खिलाफ किसानों के प्रति बयान देने पर आक्रोश जाहिर किया गया था, उन्हें थप्पड़ भी मारा गया था। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो नई सरकार है उसमें बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक गठबंधन को नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन इस बार जो 71 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको साथ लेकर चलना एक नया चैलेंज रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।